शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस छोटी सी कॉल पे इस वक्त यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद मैं आज अपने नौजवानों की तरफ से यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन रखना चाहता था पुंछ के आवाम के लिए, पुंछ के लोगों के लिए, और ख़ास तौर से मैं ज़िला इंतज़ामिया के लिए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि पिछले एक साल से लगभग जब से इंस्पेक्टर रणजीत सिंह राव साहब SHO पुंछ आए हैं, तब से पुंछ में कुछ माफिया लोग थे, कुछ गुंडे लोग थे, ड्रग पेडलर्स, ड्रग एडिक्ट्स, जिन लोगों ने जो है पुंछ के नौजवानों को गलत राह पे चलाने के लिए मजबूर किया था, और लोग जो है वो डिफरेंट गलत एक्टिविटीज़ में जा रहे थे। जब से रणजीत सिंह राव साहब ने SHO पुंछ को ज्वाइन किया, उसके बाद से उन्होंने उन लोगों के काले कारनामों पे, काले धंधों पे जो है वो बिल्कुल रोक लगा दी थी, और उन लोगों के लिए कहीं भी जो है वो जगह नहीं बची थी। अगर वो थोड़ा सा भी कुछ इल्लीगल काम करते थे तो फौरन इन्वेस्टिगेट किया जाता था और उन लोगों को बुला के थाने में उनके गलत कामों की जो है वो सज़ा दी जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ जिनकी बंद हो चुकी थी, वो SHO साहब के खिलाफ डिफरेंट प्रोपागेंडाज करना जो है वो शुरू हो गए हैं। आज मीडिया की वसादत से हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखसूस हम पूरी इंतज़ामिया तक अपनी तरफ से, अपने यूथ की तरफ से, क्योंकि आप देख रहे होंगे हमारे साथ हर कम्युनिटी के हिंदू, सरदार, मुसलमान, नौजवान खड़े हैं, हम सारे मिलके आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से UT इंतज़ामिया तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इंस्पेक्टर रणजीत सिंह राव का जो काम है वो एक काबिले सताइश काम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर कुछ इधर उधर के मसाइल की आड़ में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह राव को कुछ अपनी जाती तसरबाजी लेकर लोग बदनाम करना चाहते हैं तो हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी मसले में SHO साहब या किसी की तरफ से भी कुछ गलत होता है तो मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए, और हर मसले का एक प्रॉपर हल जो है वो निकल के आवाम के सामने आना चाहिए। हाँ, जो काम SHO साहब ने अच्छे किए हैं, हम दिन दिहाड़े SHO साहब के साथ हैं, और अगर कल कोई भी ऐसा होता है कि SHO साहब को यहाँ से हटाने की बात कोई करेगा या SHO साहब के खिलाफ कोई बात करेगा तो पुंछ का नौजवान SHO साहब के फेवर में हमारा वक्त खड़ा है। रात के इस वक्त में कितने नौजवान अगर इकट्ठे हैं, तो अगर दिन का वक्त होता तो जितने नौजवान मेरे साथ खड़े हैं, आपको ये ग्राउंड जहाँ हम खड़े हैं ये बड़ा हुआ दिखता। आज एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नौजवान साथियों का, जो एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। SHO साहब ने कम्युनल हारमोनी को मेंटेन करने का जो पुंछ में काम किया, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को बढ़ावा देने का पुंछ में जो काम किया वो काबिले सताइश है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पूरा यूथ और पूरे नौजवान SHO साहब के साथ खड़े हैं, और पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी लीगल काम है उन तमाम के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चाना बशाना 24 घंटे खड़े हैं। अगर कहीं पे हमारी ज़रूरत होगी हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर गलत तरीके से कोई भी किसी ऑफिसर को ब्लैकमेल करने का काम करेगा, किसी ऑफिसर के खिलाफ अपनी जाति रंजिश निकालने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, आवाज़ उठाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वो SHO साहब के लिए जो कुछ जिन लोगों के धंधे बंद हो गए थे, जिनके धंधे SHO साहब ने बंद करवाए हैं, मैं डायरेक्टली कहूँगा, तो उनके धंधे अब उनको थोड़ी सी अड़चन आ रही है उन कामों में, तो उन कामों को वापस स्टार्ट करने को SHO साहब के ऊपर ही अब धब्बे लगाना शुरू हो गए हैं। तो आज के जितने भी नौजवान हैं ये सब उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि SHO साहब ने पिछले 11 महीने में जो काम किया है पुंछ के अंदर, वो आप ड्रग्स में देख लीजिए, प्रैक्टिकली आप ऑन फील्ड देख लीजिए, कितने भी काम SHO साहब ने किए वो सब काबिले तारीफ हैं। और उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन अगर कोई होता है तो पूरी यूथ जो है उनके साथ खड़ी है, और हम उनके साथ बिल्कुल। भूपिंदर जी, आप देखिए जी, इससे पहले जो पास्ट आपने पुंछ का देखा उसमें हमेशा जो रिलीजियस व्यूज़ लेके लोगों में नोक झोंक रहती थी, बट मेरे हिसाब से जो इस वक्त में खाली SHO साहब को, चलो SHO साहब का तो एक बहुत बड़ा रोल है, बट और भी एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके साथ है, उन्होंने कम्युनल हारमोनी जो यहाँ पे पुंछ में रखी है वो काबिले तारीफ है। पिछले 11 महीने में देख लो, अगर आपने कोई भी यहाँ पर ऐसा वाक़ हुआ हो, हर चीज़ मतलब हमारे सामने प्रैक्टिकली हमें इस चीज़ को एग्जामिन करना चाहिए, सब हमारे सामने। मतलब आप ये चीज़ क्या SHO ने जो है नौजवानों की जिंदगी, बिल्कुल बिल्कुल है, ये मैं कह रहा हूँ कि जो इतने पिछले दिनों में जो रिकवरीज हुई हैं, मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में इतनी रिकवरी कहीं पे नहीं हुई जितनी SHO साहब ने इस मैटर में जितना काम किया SHO साहब ने। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली दिन ब दिन आप न्यूज़ में देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, उसमें तो कुछ बताने गए मेरे बोलने से उसमें तो कुछ एडिशन होनी नहीं है, जो चीज़ भी है वो आपके सामने है।
एक चीज़ है, मेरी एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि हमारे जितने भी बड़े डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं उनको एक ये चेक रखना चाहिए, हर एक चैनल को देखना चाहिए, वेदर इट इज़ अ फेसबुक चैनल और इट्स अ पर्सनल चैनल, यूट्यूब, जो भी चैनल हर एक बंदा यूज़ कर रहा है, क्या वो ऑथेंटिक है? वो उस चैनल का माध्यम से कोई हमारी सोसाइटी की अपलिफ्ट हो रही है या फिर वो अपने ही कुछ डीड्स को पूरा करने के लिए उन चैनल्स का वो यूज़ कर रहा है? तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से एक कुरजोर अपील है कि इस चीज़ पे एक प्रॉपर चेक किया जाए, तो जिससे ये जो हमारे ये जो यूट्यूब या फिर जितने भी चैनल्स हैं उनका एक गलत यूज़ ना एक प्रॉपर चैनल्स बीच में ऐसे भी हैं जो यहाँ पे जो हमारी कम्युनल हारमोनी है उसको मतलब ख़राब करना चाह रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उन चैनल्स पे ही चेक करना चाहिए, ऐसे चैनल्स को पॉइंट आउट करके उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए कि जिनसे हमारी कम्युनिटी को थ्रेट है, तो जिससे हमारा यहाँ का जो एक पुंछ का एक बहुत अच्छा भाईचारा है उसको या ठेस पहुँचे या वो ख़राब हो। थैंक यू।